नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सेना दिवस के मौके पर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने चीन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले। सेना प्रमुख की इस चेतावनी के मायने चीन भी भली भांति समझता है। वो भारत से मिले सबक को अभी तक भुला नहीं पाया है। हम बात कर रहे हैं दोनों देशों के बीच 1967 में नथुला में हुए युद्ध की। ऐसे तो सिक्किम तिब्बत सीमा निर्धारण स्पष्ट ढंग से किया जा चुका है, पर चीन ने कभी भी सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान चीन ने भारत को नथुला और जेलेपला दर्रे खाली करने को कहा। भारत के 17 माउंटेन डिवीजन ने जेलेपला तो खाली कर दिया, लेकिन नथुला पर भारत का आधिपत्य जारी रहा। आज भी जेलेपला चीन के कब्जे में है। दरअसल नथुला दर्रे पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर जुबानी जंग का माहौल बना रहता था, जो शीघ्र ही धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। 6 सितंबर 1967 को धक्का मुक्की की इस घटना का संज्ञान लेते हुए भारतीय सेना ने तनाव दूर करने के लिए नथुला से लेकर सेबुला तक के दर्रे के बीच में तार बिछाने का फैसला किया। इसके बाद 20 अगस्त को चीनी सैनिकों ने हथियारों के साथ पोजीशन ले ली। फिर 7 सितंबर को चीनी कमांडर ने भारतीयों को तारे खींचने से रोका तो दोनों पक्षों में झड़प हो गई। इसमें 2 चीनी सैनिक घायल हो गए। उसके बाद 11 सितंबर 1967 को नथुला स्थित भारतीय चौकी पर हमला कर दिया। चीनियों ने मीडियम मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों को शुरू में भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उन्हें चीन से ऐसे कदम का अंदेशा नहीं था। पहले 10 मिनट के अंदर भारत के करीब 70 सैनिक शहीद हो गए और कई घायल हुए। इसके बाद शुरू हुआ भारतीय सेना का तांडव, दुश्मनों के मौत का ऐसा तांडव जिसे इससे पहले चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपनी मजबूत रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी फायर किया। भारत की ओर से लगातार 3 दिनों तक दिन रात फायरिंग जारी रही। चीन को सबक सिखाया जा चुका था। 14 सितंबर को चीनियों ने धमकी दी कि अगर भारत की ओर से फायरिंग बंद नहीं हुई तो वो हवाई हमला करेंगे। तब तक चीन को सबक मिल चुका था और फायरिंग रुक गई, लेकिन इससे पहले कई चीनी बंकर ध्वस्त हो चुके थे और 400 से अधिक चीनी सैनिक मारे जा चुके थे। रात में चीनी सैनिक अपने मारे गए साथियों की लाशें उठा कर ले गए। उसके बाद से आज तक चीन ने सिक्किम में दोबारा कोई हिमाकत करने की कोशिश नहीं की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।